हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल रानी ने शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे, आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो मैं थोड़ी देर पहले, आधे एक घंटे पहले उड़ गई थी। कल के ये कपड़े सूखने के लिए डले थे, कल मैंने शाम को ही धोए थे, सुबह टाइम नहीं मिल पाया था। फिर धूप हो जाती है तो फिर मैंने नहीं धोए थे, शाम को धो कर डाले थे तो ये सूख गए हैं। तो अभी मैं सफाई कर रही थी, झाड़ू पोछा लगाने से पहले सारे कपड़े लेकर आ गई हूँ। सबकी तह बना के रख दूँगी, और जो प्रेस करने के रहते हैं वो अलग कर देती हूँ, जो डेली यूज के रहते हैं वो अलग, जब तह बनाती हूँ अलग अलग करके रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी। और अभी गेहूँ धोना है, तो आजकल नल हमारे यहाँ पहले और जल्दी आ जाते थे, 4-4:30 बजे के लगभग सुबह आ जाते थे। कपड़ों की तह बनाने के बाद, रूम सेट करने के बाद यहाँ पर मैं आई थी किचन में। किचन में बहुत ज़्यादा बर्तन निकले थे, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि बर्तन रख दूँगी, तो मैंने इस वाली टंकी में आधे बर्तन रख दिए हैं, जितने यूज किए बस वही निकाले हैं। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ गेहूँ धोने के लिए, तो यहाँ पर जितने बर्तन रात में निकले थे तो मैंने भर दिए थे, पीने का पानी आया था तो फिर ये उठे नहीं थे, तो फिर इनसे अभी ये निकलवाया है गंजे, क्योंकि बड़े बर्तन में अच्छे से गेहूँ धुल जाते, छोटे बर्तन में धुलते अच्छे से नहीं बनता है। तो यहाँ मैंने पानी जो पीने के लिए भरा था वो पलट लिया है, पीने के लिए नहीं, मतलब गेहूँ धोने के लिए पानी भरा था, तो यहाँ पर मैं सारे गेहूँ धो दूँगी। और अभी ये हैं तो ये ऊपर गेहूँ छत पर रख कर आ जाएंगे, तो गेहूँ धुल गए थे सारे। और उसके बाद टाइम हो गया था तो फटाफट मैंने नहाया, नहाने के बाद फलार बनाई, और फलार में मैंने बनाई थी लौकी का हलवा बनाया था, चिप्स तल दी थी। और उसके बाद ये पानी भरा रखा था, तो मैं गमले में सामने जो गमले रहते गाड़ी के यहाँ रखे, तो उनमें तो डाल दिया था पानी, लेकिन इन वाले गमलों में नहीं डाला था। और अभी धूप बहुत तेज़ पड़ रही है, तो दोनों टाइम रात में 8-1 बजे के लगभग मैं शाम को पौधों में पानी डालती हूँ, और इस टाइम सुबह जल्दी डाल देती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी लेट हो गई थी। और अभी टाइम 9:07 बज रहे हैं, फैला कर आई हूँ और धूप हो गई है, 9 बज गए हैं, जस्ट अभी फैला कर आई हूँ। टाइम हो गया था इनका, तो फिर गेहूँ बाद में फैला है, पहले फलहार बनाई। आज है पूर्णिमा, ये देखिए, ये अभी धुल कर कुछ यहाँ डाले, पहले छत की झाड़ू लगाई थी, तो झाड़ू तो मैंने कल लगा दी थी, आज नहीं लगाई, फिर भी फिर रोज़ यहाँ पर कचरा आ जाता है। अभी छत बारिश का टाइम, देखिए ये फैले हुए हैं, झाड़ू तो लगा दी थी क्योंकि धोया भी था, गेहूँ फैलाना था इसीलिए, तो कुछ गेहूँ छत पर ऊपर वाली पे फैला दिए कुछ नीचे, और जो पीने का पानी भरा था उसी से मैं गेहूँ धोती हूँ, थोड़ा सा बच गया था, तो यहाँ पर ये देखिए गन्नों में डाल दिया ये। अभी वापस भी जी पानी का पत्ते में नहीं डाल पाई, बाहर साफ नहीं कर पाई, क्योंकि गेहूं थोड़ा साफ, तो मैंने बर्तन वर्तन उठा लिए थे, लेकिन थोड़े से गेहूं फैल गए थे, उनको भरना पड़ेगा, गाय को डाल दूंगी। ये देखिए, और पूर्णिमा थी तो अभी गाजर का नहीं, लौकी का हलवा बनाया था इनके लिए, ये खाकर चले गए। और बादाम शेक, ये मैंगो शेक बना दिया था, चिप्स विप्स तल दी थी, ये देखिए अभी फिर और बनाऊंगी ये, बस अब मैंगो शेक अकेला बनाऊंगी, बाकी तो कुछ नहीं बनाऊंगी। पहले मैं पूर्णिमा में फला नहीं करती थी, नमक वाली फला नहीं करती थी, लेकिन अभी अब मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, मतलब लो हो जाता नहीं, लो ही चल रहा है अभी, तो इसलिए फिर मैं सुबह अभी फलार में नमक खा लेती हूँ, तो चिप्स में मैं नमक मिर्च डाल लूँगी, तो वही खा लूँगी। पूजन तो इनने कर ली है, लेकिन मैं पाठ करूँगी, तो पहले तो अंश को भी नाश्ते में कुछ दे देती हूँ बना के, और उसके बाद जाऊँगी मंदिर। और अभी ये देखिए पूजन भी हो, पूजन हो गई है, मुझे बस पाठ करना है। आसन दीन अस्तर भी जानी, पुनि तापस बोले मृदुवानी,
तुम्हें कस बने पे रहूं अकेले, सुंदर जो वाजीब पर हेले। गले भवने अमंगल हारी, द्रवं शुदशरत अजर बिहारी। जय जय राज राम की, जय लक्ष्मण बलवान, जय कपीश की, जय गजानन जय जय गुरु सिंध की, जय गिरी उमा महेश, जय ऋषि भरद्वाज की, जय तुलसी अद्वेश बैनिशी पावन परम दैनी श्री परिचार स्वर्ग नरेश हरि कथा नाथ निवारण हार कहूँ दंडवत प्रमय संत मैं कह कर जोर बार बार रघ नय कर सुरत कर मोर अर्थ न धर्म न काम रुचे गति न चाऊ निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद अवदान नान दीजे दीन दयाल मोर बड़ो दीन जन जान चरण कमल को आसरो सत्संगत की बान कामय नार प्यार जिमी लोभी प्रिय जिम राम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागा मोर राम बार 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 मांग्यूं हर्ष देव श्री राम पद सरोजन पायनी भक्ति सदा ससंग एक घड़ी आधी घड़ी आदो मैं पुनिया तुलसी चर्चा राम की हरि कोटि अपराध प्रणत पाल रघ वंशमणि करुणा सिंधु खरारि गए शरण प्रभु राखियो शब अपराध विषाद राम चरण रति जो चाहे अधवा पद निर्वाण गाव सहे सुई है कथा करें श्रवण पुत्पान मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावई में नई प्रयास जो ये कथा निरंतर सुनई मान विश्वास कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान जो जनजासी आए हैं तो तय करें प्यान श्रोत शवाश्रम गए शंभु गए कैलाश रामायण मम हृदय में सदा करम तुम्बा श्रावण हरिजस पावन गावे सुने जो लोग राम भक्ति धन पावन बिन विराग गु लखन सियावर रामचंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो वैष्णव संतों की जय संजय सनार्थी मैया की जय लोका विरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणं करन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रवर्ते सीताराम 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 कहिए जहि विधि रखे राम कहि विधि रहिए महलों में रखे चाहे झोपड़ी वास दे धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए सीता। मैं साफ करना आ गया हूँ। हमारे यहाँ के सारी चीजें स्टोर करके रखी जाती है, मतलब घर पे खेती है तो सारा सामान आ जाता है। तो अभी दाल वाल मैंने सुखा के रखी थी, पापा भी आए थे 15-20 दिन रुके और फिर पापा जी चले गए हैं, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं, तो फिर इसलिए खेत में दवाई अवाई डलवाना था इसलिए वो चले गए हैं। तो अभी जब तक के मैंने दाल वाल तो सुखा के भर दी है डिब्बे में, अभी चने की दाल और रह गई है। तो अभी चने मैंने तो मैंने धो के डाल दिए हैं, चने की दाल नहीं बनी है। और गेहूँ आ गए हैं तो पहले मैं गेहूँ साफ कर लूँगी। अंश की अभी चल रही हैं छुट्टियाँ तो ये काम में हेल्प करवा देता है अभी गेहूँ फैलवाने के लिए साथ में गए तो। और ये रखें, ये देखिए ये गेहूँ रखें, इनको मुझे साफ करके रखना है। बाकी जो ज़्यादा वैसे थे जिनमें ज़्यादा बेकार थे जिसमें मिट्टी इट्टी ज़्यादा थी तो वो तो मैंने गेहूँ धोकर डाल दिए हैं। और अभी बाकी ये वाले गेहूँ आज मैं दोपहर में साफ करूँगी। अंश के लिए मुझे नाश्ता बनाना था तो चिप्स तली थी और बादाम ये मैंगो शेक इनके लिए बनाया था तो मैंने वही दे दिया था अभी। लेकिन उसके लिए मुझे कुछ बनाना होगा तो ये देखिए चावल रखे हुए हैं तो मैं ये चावल फ्राई कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने सौंफ और जीरा लिया है, उसके बाद इसमें मैंने मूंगफली डाल दिए थे, चावल में जो रेगुलर मसाले रहते हैं वो डाले और मिक्स करके चावल बनकर तैयार हो गए। और प्याज मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि हम लोग व्रत में प्याज खाते नहीं हैं। उसके बाद यहाँ से मैंने क्लीन किया, फिर मैंगो शेक बना रही थी। यहाँ पर मैंने एक मैंगो को छील कर धोकर साफ कर लिया, उसके बाद पीसेस में कट किया, उसमें दूध डाल दिया, जितना पतला और थिक चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें दूध डाल दें। काजू बादाम रखे थे वो डाले, थोड़ी सी चीनी डाली और मैंगो शेक बनकर तैयार हो गया। अंश को अभी मैंने एक बार और दिया था तो एक गिलास वो पी चुका, इसलिए मैं उससे पूछ रही थी कि और लेना है क्या, अभी नहीं पीना है। अंश मैंगो शेक चाहिए क्या, मैंगो शेक लेना है? ये देखिए मैंगो शेक बनकर तैयार हो गया। जाओ ले लिया, ये मैं भी ले आई हूँ। और टाइम हो रहा है 10:30 बज गए, लेकिन अभी कुछ खाऊंगी नहीं, व्रत है तो यही पी लूंगी। और उसके बाद फिर मुझे गेहूँ साफ करना है तो गेहूँ साफ करूंगी। आ जाइए आप भी मैंगो शेक पी लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ गेहूँ साफ करने के लिए,
वैसे काम करने के लिए तो यहाँ पर मिल जाती है, मतलब ऐसे झाड़ू पोछा के लिए, खाने के लिए मिल जा, खाना बनवाने के लिए मिल जाती, लेकिन गेहूं वेहूँ साफ करवाने के लिए यहाँ मतलब कोई मिलता नहीं है कि जिससे आप काम करवा लो। ऐसे गेहूं साफ करवाना है या कुछ सूखने डलवाना है तो खुद से ही काम करना रहता है। तो यहाँ पर मैं गेहूं साफ कर रही थी और यहीं पर टीवी चलती रहती है तो अंश भी अपनी कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, कुछ करता रहता है तो फिर मन लगा भी रहता है। तो फिर से साफ कर रही हूँ गेहूँ, ये देखिए इतने साफ हो गए हैं और अभी टाइम 5:30 बज गए हैं और इतनी ज़्यादा मिट्टी निकली है, देखिए मैं दिखाती हूँ। कुछ तो मैंने धोकर ही डाल दिए थे लेकिन इसमें मिट्टी थी तो ये वाले धोकर नहीं डाले हैं, अब नहीं करूँगी। साफ करने का तो बहुत सारे रखे हुए हैं, देखिए अभी और वो दो बोरी रखी हैं, वो नहीं करूँगी। अभी शाम का टाइम होने वाला है तो चाय बनाऊँगी, मैंने भी बस फलार में चिप्स विप्स खाई थी तो अभी झाड़ू लगाऊंगी, चाय बनाऊंगी, बर्तन रखे हैं सुबह तो बर्तन वर्तन धोऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी और कथा नहीं हुई है तो अभी शाम को करूंगी तो फिर कथा की तैयारी भी करूंगी। मैंने देखी और खाना भी बन गया, पूरियाँ नहीं सेंकी हैं, पूरियाँ थोड़ी देर में सेंकूँगी अभी हवन के लिए। यहाँ पर कंडा जलने के लिए रख दिया और ये देखिए सेवई की खीर और सब्जी बन गई है, पूरियाँ नहीं बनाई हैं थोड़ी देर से, हाँ पूजन करने के बाद बनाऊंगी, फिर उसके बाद भूख लगा के फिर खाना खाएंगे। अभी पहले ये कर लेती हूँ और अभी शाम का टाइम हो रहा है, 7:30 बज रहे हैं, ये आ गए हैं तो अब हम साथ में मिलके पूजन करेंगे सब। कथा करते टाइम कोई वीडियो नहीं बनाई है, देखिए सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई है। मैं फटाफट से पूरियाँ सेक लेती हूँ फिर भूख लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने पूरियाँ तली हैं तो एक पूरी मैं गाय के लिए निकाल दूंगी और उसमें सारा सामान रख दूंगी, खीर सब्जी सारा कुछ, और फिर वो गाय को खिला दूंगी। और यहाँ पर मैं अंश को दे देती हूँ थाली तो वो भोग लगा के खाना खा लेगा। और यहीं पर मैं आज अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब।